नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और ये है मोस्ट वांटेड वीडियो। इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन करने वाला है कि कौन से मोटर्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि मैं पूरा ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बीएलडीसी मोटर, पीएमएसएम मोटर और इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर। गाइस, इसमें एथर और ओला क्यों बेहतर है, एम्पियर हीरो इलेक्ट्रिक थोड़ा कम परफॉर्मेंस क्यों है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल, बिकॉज ऐसा वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग वीडियो है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जो टू व्हीलर्स है उसमें मेनली बीएलडीसी मोटर या पीएमएसएम मोटर यूज होता है। और इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आज यहां पे इकट्ठी की है, कुछ गूगल पे आपको इलस्ट्रेशंस दिखाने के लिए कुछ इमेजेस डाउनलोड किया है, कुछ मुझे दो बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग के चैनल्स है वो आप जरूर सब्सक्राइब करना। एक है लर्न इंजीनियरिंग और दूसरा है लेसिक्स। ये दोनों चैनल का मैं शुक्रगुजार हूं कि उनके चैनल के वजह से अभी तक मुझे जिंदगी में बहुत सीखने को मिला है। आप भी इस चैनल पे जाइएगा और आपको इसमें डिटेल्स मिल जाएंगे। कुछ उनके इमेजेस मैंने इसमें यूज किए तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जो परफॉर्मेंस स्कूटर्स होती है गाइस, उसमें मोस्टली आपको पीएमएसएम मोटर मिलेगा। जैसे आप एथर की बात करो तो एथर 450X में आपको मिलेगा पीएमएसएम मोटर। अगर आप ओला की बात करो तो ओला थोड़ा अलग ही है, हमें पता है उसमें आईपीएमएम यूज होता है, आईपीएमएम इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर। तो ये होता क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिएगा, खाली वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक, या मैं बात करूं एम्पियर के स्कूटर्स, तो इसमें आपको ये हब मोटर मिल जाएगा, बीएलडीसी हब मोटर। तो पहले तो यहां पे आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। मोटर सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। सिंपल, अगर एक कंडक्टर है आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। तो ये अगर रोटेटिंग मैकेनिज्म की बात हम कर रहे हैं तो फोर्स की बात नहीं करते, हम टॉर्क की बात करते हैं। और टॉर्क दिया जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो आपका व्हील का रेडियस होता है, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी यहां पर पीएमएसएम मोटर आपको दिख रहा है। आगे जाते हैं, जान लेते हैं कि एक्चुअली ये मोटर कैसे काम करते। एक सिंपल चीज इस स्लाइड पर मैं आपको बताना चाहता था कि जो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो है, जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तब उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। जो छोटी वाली स्कूटर्स है, कम परफॉर्मेंस वाली स्कूटर्स है, उसमें बीएलडीसी मोटर यूज होता है। जो हाई परफॉर्मेंस स्कूटर्स है उसमें पीएमएसएम या आईपीएमएम मोटर यूज होता है। तो चलिए आगे जाते हैं, मैं सिर्फ टू व्हीलर्स की बात कर रहा हूं, फोर व्हीलर्स की बात दूसरे वीडियो में करेंगे। तो यहां पे आपको एथर दिख रहा है गाइज, एथर का ये नेकेड वर्जन आपके सामने, नेकेड मतलब पूरा खुला है। एथर की बात ये है कि इसमें मिड ड्राइव मोटर है, यहां पे बीच में मोटर लगाया है, यहां पे उनकी बैटरी है, यहां पे बैटरी है, और मोटर जो है वो व्हील से कनेक्टेड है बेल्ट के थ्रू। ओके, बेल्ट दिया है। तो आप एथर का एक बार परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, 85 किलोमीटर की उसमें आपको रेंज मिल जाती है। कितना, 85 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलता है 80 km/h का, 0 to 40 3.3 सेकंड में अचीव करता है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें जो मोटर है वो पीएमएसएम मोटर है। पीएमएसएम मोटर की एक्सप्लेनेशन अगले स्लाइड में। तो ये ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है क्योंकि इसमें पीएमएसएम मोटर है। पीएमएसएम का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, पीएमएसएम मतलब परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ओके, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, ये एक एसी मोटर है। एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट पे चलने वाला मोटर। आपके घर में जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई होता है, आपका मोबाइल जिस सप्लाई पे काम करता है वो डीसी सप्लाई होता है, उसमें बैटरी होती है, बैटरी डीसी पे चलती है। तो जो बीएलडीसी हब मोटर है, जो एम्पियर में है, हीरो में है, जो पहिए में बैठती है, वो हब मोटर डीसी पे चलती है, और ये जो पीएमएसएम मोटर है वो एसी सप्लाई पे चलती है। तो आपका जो बैटरी है
वो डीसी पे आपकी एनर्जी स्टोर कर रहा है, डीसी टू एसी कन्वर्जन करके ये मोटर को देना पड़ता है। ओके आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, इसमें टॉर्क की भी बात करते हैं। टॉर्क देखिए यहां पे मेंशन किया है, पीएमएसएम मोटर इधर यूज करता है। टॉर्क की बात करें तो 26 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क अवेलेबल है। थोड़ा आगे जाते हैं, अभी ये मोटर का, मोटर जो है एथर का, वो व्हील से कैसे कनेक्टेड है आपको यहां पे दिखेगा। ये है इसका मोटर, ओके ये है इसका मोटर, ये है पीएमएसएम मोटर, और ये एक एडिशनल व्हील यहां पे डालता है, गियर व्हील एक है, और उसके थ्रू आपके पहिए को कनेक्ट किया है। तो एथर में आपको नॉइज सुनाई देगा, आई होप आपने सुना होगा, बहुत आवाज आता है एथर का। क्यों आता है? क्योंकि ये एडिशनल व्हील इंसर्ट किया है। आप ओला की बात करो तो ओला में आवाज नहीं आएगा, क्योंकि ओला की जो मोटर है वो डायरेक्टली व्हील से कनेक्टेड है। ओके अभी पीएमएसएम मोटर जो है और आईपीएमएम जो मोटर है, पीएमएसएम मोटर जो है वो एथर में है, आईपीएमएम मोटर जो है वो ओला में है, ये दोनों मोटर एसी पे चलती है, अल्टरनेटिंग करंट, दोनों जबरदस्त टॉर्क प्रोड्यूस करती है, दोनों का पावर टू वेट रेशियो जबरदस्त है, दोनों में स्पीड बहुत जबरदस्त मिलता है, क्योंकि ये जो मोटर्स है वो वैसा परफॉर्मेंस देती है। बीएलडीसी हब मोटर का पावर टू वेट रेशियो जो है वो कम होता है, वो अगर ज्यादा पावर चाहिए आपको, ज्यादा टॉर्क चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए, तो बीएलडीसी मोटर ज्यादा जगह ले लेगा, और पहिए में उतनी जगह होती नहीं, इसलिए बीएलडीसी मोटर का जो पावर डिलीवरी है, जो टॉर्क डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड है। पीएमएसएम मोटर या आईपीएमएम मोटर में आप कम साइज में या कम वेट में ज्यादा पावर डिलीवरी कर सकते हो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक पावर। यहां पे लिखता हूं मैं स्पेसिफिक पावर, स्पेसिफिक पावर मतलब क्या, किलोवाट पर किलोग्राम। स्पेसिफिक पावर जो होती है वो पीएमएसएम मोटर और आईपीएमएम मोटर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीएलडीसी मोटर। इसलिए आपको अगर परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए तो आपको दिखेगा इन सारी स्कूटर्स में आपको आइदर पीएमएसएम या आईपीएमएम मोटर यूज किया है। ओके आगे जाके देखते हैं ओला की बात। ओला S1 प्रो का ये इमेज मुझे prizesofindia.com से मिला है, क्योंकि इस इमेज में सारे डिटेल्स है इसलिए ये इमेज लिया। ओला की बात करें तो जबरदस्त 115 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है, जो गाड़ी का टॉर्क है वो सबसे ज्यादा है 58 न्यूटन मीटर, एथर का तो 26 ही है शायद, इसका 58 न्यूटन मीटर है, इसका जो टॉप स्पीड है 115 है, एथर का शायद 85-90 होगा मैक्सिमम। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ओला में जो मोटर यूज किया गया है गाइस, ये इमेज लेसिक्स से लिया है मैंने, लेसिक्स का ये वीडियो जाके जरूर देखना, पूरा आपको मिल जाएगा, उसमें डिटेल उन्होंने ओला का हर एक कॉम्पोनेंट एक्सप्लेन किया है। अभी यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं ओला में क्या है। ओला का ये जो है ये बैटरी है गाइज, ये उनका बैटरी है, इसमें बहुत सारे लिथियम आयन सेल सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके बैटरी पैक बनता है, करीबन 4 kWh का बैटरी पैक है। बैटरी पैक से कनेक्शन आप कंट्रोलर को देते हो, कंट्रोलर से कनेक्शन मोटर को मिलता है, ये जो है ये मोटर है। अभी आईपीएमएम मोटर जो है उसका टॉर्क ज्यादा होता है। ओके टॉर्क इज कैपिटल टी, टॉर्क ऑफ आईपीएमएम इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ व्हाट पीएमएसएम। IPMM ज्यादा जबरदस्त टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है। ओला ने ये क्यों चूज किया? क्योंकि उनको ज्यादा टॉर्क चाहिए था, ओला को ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए था, ज्यादा टॉप स्पीड चाहिए था, ये सब चीजों के वजह से उन्होंने IPMM चूज किया, इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर जो ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। ओला एक जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग कर चुका है, और उनकी अगली कुछ स्कूटर्स है वो न्यूजीलैंड और लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली है, बट आई रिक्वेस्ट ओला टू प्लीज वर्क इन इंडियन कंडीशंस, इंडियन कंडीशंस के लिए एक अच्छा डिजाइन आप लेके आओ, थोड़ा सा उसको चाहिए तो आप ये जो है ना टेक्निकल मतलब बहुत सारी चीजें टच स्क्रीन वगैरह निकाल डालो, बट एक अच्छा खासा स्कूटर लो, क्योंकि क्या हो रहा है ओला ने बहुत प्रॉब्लम फेस किए, कभी ओला जल गया, कभी ओला रिवर्स गया, कभी ओला का फ्रंट जो है सस्पेंशन वो टूट गया। ओके आगे जाते हैं, अभी मोटर की बात करते हैं। ये और एक बहुत ही जबरदस्त इमेज लेसिक्स से मुझे मिला, यहां पर आपको दिखेगा ओला का जो सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन, वो हॉरिजॉन्टल है, और वो जो है वो बहुत जबरदस्त काम करता है। आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी जाओ तो झटके आपको बहुत कम लगेगा ओला में, बहुत मस्त काम किया है ओला ने इस बारे में। और जो मोटर है वो जो है उसको बोलते हैं मिड ड्राइव मोटर, एथर की भी मिड ड्राइव मोटर है, ओला की भी मिड ड्राइव है, ये एक ही बेल्ट से कनेक्टेड है। आपने अगर एथर का देखा होगा, मैं फिर से पीछे लेके जा रहा हूं, आपने अगर एथर का देखा होगा तो एडिशनल व्हील डाला है, और इसके वजह से एथर में आवाज बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू ओला।
आगे जाके बात करें ओला की जो मोटर है उसको बोलते हैं आईपीएमएम मोटर। इसमें मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स आर बरीड इनसाइड द रोटर। रोटर मतलब जो घूमता है वो रोटर, स्टेटर मतलब जो स्टेशनरी रहता है। तो इसमें होगा क्या है, आप स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हो स्टेटर में, थ्री फेज एसी सप्लाई, उसके वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटरेक्शन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड रोटर में मैग्नेट्स के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो रोटर में आपने परमानेंट मैग्नेट्स डाले हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, इनके इंटरेक्शन के वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क मतलब रोटेटिंग एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। सो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर एंड स्विच रिलक्टेंस मोटर, इसका ये कॉम्बिनेशन है। स्विच रिलक्टेंस मोटर में यहां पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं है तो उनको पता नहीं चलेगा। सिर्फ याद रखना ओला का मोटर एडवांस है एज कंपेयर टू एथर, क्योंकि ओला को ज्यादा टॉर्क चाहिए था, ओला को ज्यादा टॉप स्पीड चाहिए था। ओके, बट इसमें बात यह है कि रेयर अर्थ मटेरियल यूज होता है तो एक्सपेंसिव है। मैग्नेट्स रोटर के अंदर डाले जाते हैं। ओके, और ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल भी आपको इसको देना पड़ता है। आगे जाके बात करें, स्ट्रेट कंपैरिजन आपको दिख रहा है, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये है ओला, राइट साइड पे है एथर। ओके, तो लेसिक्स का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि उनके वीडियो के थ्रू मुझे ये इमेजेस मिले। तो ओला का जो मोटर है आईपीएमएम मोटर, ये डायरेक्टली व्हील से कनेक्टेड है थ्रू बेल्ट, बट एथर का जो है मोटर से पहले उन्होंने टॉर्क इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि पीएमएसएम का टॉर्क अच्छा होता है बट और अगर आपको बढ़ाना है तो एडिशनल व्हील इन्होंने बीच में डाला है और उसका व्हील से कनेक्शन किया है वाया बेल्ट। ओके, ये डिफरेंस है ओला और एथर में, इसलिए एथर जो है वो थोड़ा नॉइज क्रिएट करता है एज कंपेयर टू ओला। आगे जाके बात करें अभी बीएलडीसी मोटर की, अभी तक हमने देखा कि आईपीएमएम मोटर और पीएमएसएम मोटर ये ज्यादा परफॉर्मेंस देती है क्योंकि उनका टॉर्क ज्यादा है, वो एसी मोटर है और वो बहुत जबरदस्त काम करती है, स्पीड भी आपको ज्यादा मिलता है। अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें जैसे एम्पियर हो गया, हीरो हो गया या बीगॉज हो गया, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है इनको हब मोटर है जो पहिए में बैठता है। तो इसमें आप देखोगे कि मैग्नस ईएक्स का मैंने यहां पे एग्जांपल लिया क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, 53 के एमपीएच तक टॉप स्पीड मिल जाता है और 121 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। अभी यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा टॉप स्पीड लिमिटेड है और टॉर्क की भी बात करें तो टॉर्क भी बहुत कम है। ये क्यों है, क्योंकि बीएलडीसी हब मोटर जो है वो पहिए में बैठता है। ये आपका पहिया है, पिछला पहिया, उसमें मोटर बैठ जाता है, ये मोटर है पूरा। तो उसका मोटर पावर टू वेट रेशियो जो किलोवाट पर किलोग्राम है वो बहुत, क्या बोलते हैं हम, कम है, और उसके वजह से अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो ज्यादा हेवी मोटर लगेगा, ज्यादा बड़ा मोटर लगेगा, वो पहिए में नहीं बैठ सकता। इसलिए बीएलडीसी मोटर जो है वो लो परफॉर्मेंस के लिए यूज की जाती है, लो परफॉर्मेंस। ओके, इसका स्टॉप स्पीड भी कम होता है, स्पीड भी कम होता है, इसका टॉर्क भी कम होता है और लो वेट व्हीकल में ये आपको यूज करने को देखने को मिलेगा। सस्ती सुंदर टिकाऊ हल्की व्हीकल्स में आपको बीएलडीसी हब मोटर देखने को मिलेगी। तो हब मोटर में भी क्या होता है, बीएलडीसी हब मोटर होता है, मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर। बीएलडीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रशलेस। मैं यहां पे ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, सिंपल करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अभी आगे जाके देखें तो ये इंटीरियर इसका आपको दिखेगा, आपको यहां पे दिखेगा कि ये कुछ जो कुछ दिख रहा है ये सब है, इसमें है वाइंडिंग्स। ओके, वाइंडिंग्स के थ्रू करंट फ्लो होता है और ये जो करंट फ्लो होता है वो डीसी होता है, आईपीएमएम और पीएमएसएम में वो एसी होता है। और ये डीसी करंट जो फ्लो हो रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलर के थ्रू, और वो डायरेक्शन डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पोल चाहिए, नॉर्थ पोल चाहिए या साउथ पोल चाहिए। तो इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, लर्न इंजीनियरिंग की तरफ से ये वीडियो है, तो इसको थोड़ा सा प्ले करता हूं और आगे लेके जाता हूं। ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीएलडीसी मोटर में। तो यहां पे आपको दिखेगा कि ये जो वाइंडिंग्स है ये इसको बोलते हैं आउटरनर। ओके, आउटरनर, इसको मैं पॉज करता हूं एक मिनट के लिए। ओके, ये जो होता है इसको, इसमें दो टाइप्स है। ओके, आउटरनर, आउटरनर मतलब ये जो बाहर का पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट, ये वाला, ये घूमेगा। ओके, और दूसरा होता है इन रनर मतलब अंदर का पार्ट घूमेगा। तो जो बाहर का पार्ट है उसके ऊपर मैग्नेट है, आप अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो ये जो वाइंडिंग है जो कॉपर का है बीच में,
ओके, तांबे का जो वाइंडिंग है उसमें एनएस पोल लिखा है, एन और एस, और ये जो बाहर है उसमें परमानेंट मैग्नेट है। तो हो क्या रहा है कि यहां पे अगर नॉर्थ पोल आ गया है तो यहां पे वो साउथ पोल है, तो ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट होगा, उसके वजह से रोटर घूमेगा। यहां पे साउथ पोल है और यहां पे नॉर्थ है, ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, इसके वजह से रोटर घूमेगा। तो यहां पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है स्टेटर वाइंडिंग्स के ऊपर कि जो रोटर का मैग्नेट है वो उसके पीछे लग जाए। ओके, जैसे आपको पता है गधा, पता है आपको गधा, अगर ये गधा है आपका, सिंपल समझ लो, ये अगर गधा है और गधे के सामने आपने गाजर लगा दिया यहां पे, ओके, ये गाजर है, ओके, तो गधा हमेशा गाजर के पीछे जाएगा बट वो कभी उसको पकड़ नहीं पाएगा। वैसा ही है ये जो रोटर है, ये रोटर हो गया आपका, ये रोटर हो गया और गधा स्टेटर हो गया। ओके, तो जैसे जैसे या इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप, तो जैसे गाजर पकड़ने के लिए गधा आगे बढ़ेगा, गाजर ऑल आगे जाएगा, वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रिएट किया जाता है कि हमेशा रोटर स्टेटर को फॉलो करता रहता है। तो आप, मैं इसको थोड़ा प्ले कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। अभी देखो ये नॉर्थ साउथ आ गया, फिर से ये साउथ पोल क्रिएट होगा, उसमें नॉर्थ अट्रैक्ट होगा। तो ये करने के लिए इसमें क्या होता है गाइज कि हॉल इफेक्ट सेंसर होते हैं। इसमें क्या होता है, हॉल इफेक्ट सेंसर, मैं आपको फिर से पहले इमेज पे लेके जाता हूं, जैसे कि ये इमेज है। ओके, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो रोटर है और इसमें बीच में रोटर है और यहां पे स्टेटर है। तो हॉल इफेक्ट सेंसर यूज करके जो आपका वाइंडिंग है उसका पोजीशन सेंस होता है और उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक करंट फ्लो किया जाता है। ओके, तो उसका भी कंट्रोल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये दो टाइप्स के मोटर है, बट और कुछ भी मोटर यूज किए जाते हैं उसका एक कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूं। तो टोटल चार टाइप के मोटर यूज होता है, यहां पे कंपैरिजन है, ईज ऑफ कंट्रोल, इफिशियंसी, पावर डेंसिटी, रिलायबिलिटी और कॉस्ट। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे बीएलडीसी मोटर और परमानेंट मैग्नेट मोटर पे, क्योंकि इंडक्शन मोटर स्कूटर्स में यूज नहीं होता, वो फोर व्हीलर्स में जरूर यूज होता है। तो बीएलडीसी मोटर की बात करें गाइज, तो इफिशियंसी कम है, जैसा मैंने आपको बोला पावर टू वेट रेशियो है वो कम है, तो ज्यादा पावर चाहिए तो आपको ज्यादा बड़ा मोटर लगेगा, उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मोटर्स। इफिशियंसी कम है, ईज ऑफ कंट्रोल इजी है, आप इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हो वोल्टेज कंट्रोल करके। पावर डेंसिटी कम है, रिलायबिलिटी भी कम है और कॉस्ट भी एज कंपेयर टू अदर मोटर्स थोड़ी ज्यादा है। अगर पीएमएसएम मोटर की बात करें, जो डार्क आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये वाला, तो इसका ईज ऑफ कंट्रोल भी अच्छा है, 4 मार्क्स है उसको। इफिशियंसी सबसे जबरदस्त है इसलिए एथर ओला एसी मोटर प्रिफर कर रहा है। पावर डेंसिटी भी जबरदस्त है इसलिए परफॉर्मेंस स्कूटर्स में यही होता है। रिलायबिलिटी भी अच्छी है, 4 पॉइंट्स है उसको, और कॉस्ट जो है उसको 3 ही पॉइंट्स है, क्योंकि ये मोटर थोड़ा कॉस्टली होता है। तो गाइज मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि मोटर कैसे काम करता है। अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो घूमेगा, दो टाइप से वो आप वो कर सकते हो, एक एसी सप्लाई देके और एक डीसी सप्लाई देके। जो पीएमएसएम मोटर है उसमें एसी सप्लाई दिया जाता है, जैसा आप यहां पे देख रहे हो, इसको मैं इरेज करता हूं। यहां पे क्या हो रहा है, ये रेड कलर का सपोज नॉर्थ पोल है, ये दो नॉर्थ पोल है और ये दो साउथ पोल है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा रही है स्टेटर पे करंट पास करके कि ये नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ अट्रैक्ट हो। आपको दिख रहा होगा कलर्स चेंज हो रहा है। ओके, और बीएलडीसी मोटर में सेम किया जाता है, सिर्फ इसमें डीसी सप्लाई होता है, इसमें एसी सप्लाई होता है। दोनों में आपको कंट्रोल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू होता है। अगर आपको हायर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको पीएमएसएम या आईपीएमएम मोटर यूज करना पड़ेगा। आपके पास अगर लो परफॉर्मेंस देना है, लोअर टॉर्क चाहिए, लोअर स्पीड चाहिए, आपको पहिए में मोटर बैठाना है, तो आपको बीएलडीसी हब मोटर यूज करना पड़ेगा। गाइज तो वीडियो ये कैसा जरूर लगा ये जरूर बोलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन से दो टाइप्स के मोटर्स है, और दो या तीन, और ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे कुछ क्वेश्चन सजेशन क्वेरीज है वो भी डाल सकते हो नीचे, जरूर डालना वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।